हरे कृष्णा भक्तजनों, मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज मैं राम सुखदास जी महाराज के रचित मेरे तो गिरधर गोपाल के बारे में, जो बहुत ही सुंदर लिखे हुए हैं कि हमें भगवान के प्रति किस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति को जमा करना चाहिए और भक्ति में डूब जाना चाहिए, बहुत ही सुंदर उनका रचना है मेरे तो गिरधर गोपाल। तो आइए श्रवण करते हैं। वो कहते हैं, मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है, जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना चाहिए। संसार का सब काम कर देना है, पर अपना असली ध्येय लक्ष्य उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही रखना है। वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की ही है। संसार की तरफ आप ध्यान ना दें तो यह सब मिटने वाला है और निरंतर मिट रहा है। आप अपनी तरफ देखें कि जब आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे उस समय शरीर कैसी अवस्था में थी और आज कैसी अवस्था में है। संसार निरंतर बदलने वाला है और आत्मा निरंतर रहने वाला है। संसार रहने वाला है ही नहीं और परमात्मा बदलने वाले है ही नहीं। वे परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उसे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में यह शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों नहीं है, बस माँ मेरी है, बस इसमें उसका कोई संदेह नहीं होता है। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं वे रुपए जमीन मकान आदि सब छूट जाएंगे, उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर याद रहने की रीति होती तो बताइए कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे, आपके माँ बाप स्त्री पुत्र कौन था, आप घर के कौन से थे। जैसे पहले जन्म की याद नहीं रहती है ऐसे ही इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा। जिसकी याद तक नहीं रहेगी उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हैं। यह सबकी अनुभव की बात है, हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोए, ऐसा मान कर मस्त हो जाओ। संसार का काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, वह तो बिगड़ने वाला है ही, सुधर जाए तो भी बिगड़ेगा ही, उसकी चिंता मत करो। आरंभ में थोड़ा सा बिगड़ेगा परंतु पीछे बहुत बढ़िया हो जाएगा। दुनिया की सब चीज़ें चली जाएंगी तो परवाह नहीं है, और मैं और मेरा भगवान इनके दोनों के सिवाय और कोई नहीं है मेरा। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, इसके सिवाय और किसी बात की तरफ मत देखो, विचार ही मत करो। एक परमात्मा ही सब कुछ है, सब जगह परिपूर्ण है, उनके सिवाय और कोई नहीं है। कोई हुआ है ही नहीं और कोई होगा भी नहीं और कोई हो सकता भी नहीं है, वे परमात्मा हैं मेरे, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं कि गंदे हैं कि मंद हैं, जिनकी फिक्र है मत करो। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए माता कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं, पर जब रघुनाथ जी महाराज की तरफ देखते हैं तो दौड़ कर पड़ते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊं तब पद परत उतार पाऊं, ऐसे ही ये मानस अयोध्या में से आया है। ऐसे ही आप अपनी करनी की तरफ मत देखो, अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका देती हैं तो भगवान छिलका ही खाते हैं, छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद गिरी खाने में भी नहीं आता। कारण है कि विदुरानी के मन में यह भाव है कि भगवान मेरे हैं। जैसा बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है उससे ही विशेष भाव विदुरानी में है, ऐसे ही आप भगवान को अपना मान लो। जीने मरने आदि की भी परवाह मत करो,
किसी से डरो मत, किसी की भी गर्ज मत करो, करने की जरूरत भी नहीं है। बस एक ही विचार करो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अगर यह विचार करके लोग को कर लोगे तो निहाल हो जाओगे, परंतु बहुत धन कमा लो, बहुत सैर शौकीन कर लो, बहुत मान बढ़ाई प्राप्त कर लो, तो यह सब कुछ भी काम नहीं आएगा। सपना सा हो जावसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम। मनुष्य तन फिर नहीं होई, किया शुभ कार्य कर्म नहीं कोई, उम्र सब गलत गफलत में खोई। अब आज से भगवान का होकर रहो, कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं है। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं है, तो भगवान मेरे हैं, इस बात को मत छोड़ो, मत भूलो। मेरा भाई को ये बात जज गई कि अब मैं भगवान से दूर होकर नहीं रह सकती, मिल बिछुड़न मत की जाए। तो उनको देड़ दो, मन का जो थैला शरीर नहीं मिला भगवान में समा गया। एक ठाकुर जी के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अंत तो ही तजय गए पामर, तू नब तजय अब ही ते, अंत में तुझे सब छोड़ देंगे, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा नहीं रहेगा कुछ, तो फिर पहले से ही क्यों नहीं छोड़ देते। साधु विचार कर भली समझिया देवी जगत को कूट, पीछे देखे बिगड़ती पहले बैठा रूठ। पीछे तो सब बिगड़ेगा ही, फिर अपना काम बिगाड़ कर बाद बिगड़े तो क्या लाभ। अपने तो अभी अभी भगवान के हो जाओ, तुम तुम्हारे हम हमारे, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान के चरणों के शरण होकर मस्त हो जाओ। कौन राजी है, कौन नाराज है, कौन मेरा है, कौन पराया है, इसकी परवाह भी मत करो। वे निंदा करें या प्रशंसा करें या तिरस्कार करें या सत्कार करें, उनकी मर्जी। हमें निंदा प्रशंसा तिरस्कार सत्कार से भी कोई मतलब नहीं है। सब राजी हो जाएं तो हमें क्या मतलब, और सब नाराज हो जाएं तो हमें क्या मतलब। केवल एक सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान है, इससे बढ़कर न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है, न विद्या है, और न कोई बढ़िया बात है। इसलिए भगवान को अपना मानते हुए हरदम प्रसन्न रहो। न जानने की इच्छा हो न मरने की इच्छा हो, न जानने की इच्छा हो न मरने की इच्छा हो, एक भगवान से मतलब हो। एक भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड में जितनी कैसे हैं, जितनी अथवा जितनी तिनके हैं, जितनी चीजें हैं, अपनी है ही नहीं। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ था ही नहीं, और हमारा कुछ होगा भी नहीं, हमारा कुछ हो सकता ही नहीं। इसलिए एक भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। भगवान के सिवाय किसी से स्वप्न में भी मतलब न मत रखो। किसी की गुलामी करने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी से क्या लेना देना, हमारे जो संबंधी है उसका कितने दिन का साथ है। सपना सासी सुत कुटुम्ब धन धाम, सपना तो याद रहता है पर उनकी यादें भी नहीं रहेगी। जैसे स्वप्न को नापसंद कर देते हो तो उसको भूल जाते हो, ऐसे ही संसार को नापसंद कर दो तो उसको भूल जाओगे। संसार में यह आदमी ठीक है, यह बे ठीक है, ऐसा हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सब केवल मोह है। मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान से है, केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा सोच कर मस्त हो जाओ, आनंद में हो जाओ, नाच उठो।
कि आज हमें पता चल गया, आज हमें मालूम पड़ा कि भगवान हमारे हैं। आज तो मौज हो गई, अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह एक ही परमात्मा है। बैरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च यत्किंचन जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते पिव। एक गीता के तरह में अध्याय में 15वां श्लोक है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यं नारायण स्थित। वह परमात्मा नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है, बाहर से बाहर है, भीतर से भीतर है। एक परमात्मा ही परमात्मा है और वह अपना है, ऐसा सोच कर मस्त हो जाओ। कोई आए तो परमात्मा है, कोई जाए तो परमात्मा है, कोई प्रेम करे तो परमात्मा है, कोई वैर करे तो परमात्मा है, कोई कुछ करे परमात्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। आपका जन्म सफल हो जाएगा, ये कितनी बढ़िया बात है, ये कितनी ऊंची बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी निर्मल बात है। कोई क्या करता है ये आप मत देखो, हमें उससे क्या मतलब। तेरे भावे कुछ करो बोलो गुरु संसार, नारायण तो बैठ के अपनो भवन उहार। हमारा मतलब केवल भगवान से है, हम अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो भी उनके हैं। जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनो प्रभु मेरे। संसार में तो एक तिनका भी हमारा नहीं रहेगा, ना रहा है और ना रहेगा, अपना है ही नहीं कुछ, तो कैसा रहेगा संसार। संसार का प्रतिक्षण आपसे वियोग हो रहा है। जन्म लेने के बाद जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष आप मर गए हैं, और बाकी जो दिन बचे हैं वे भी जाने वाले हैं। एक भगवान के सिवाय अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान को पुकारो, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, कोई नहीं है आपके सिवा, आप मेरे हो और सिर्फ मेरे हो। फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मेरे तो भगवान है इस बात को लेकर नाचने लग जाओगे, कूदने लग जाओगे। आज हमारा काम बन गया, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। स्वप्न में भी किसी की गुलामी मत करो, हृदय से गुलामी निकाल दो, नाचने लग जाओ कि बस आज तो हम निहाल हो गए। कोई पूछे कि अरे क्या मिल गया, परमात्मा स्वतः सबको मिला हुआ है, सबके भीतर विराजमान है, वो अपना है, वो हमारा है। किसी से हमें कोई गरज नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। कोई राजी रहे तो मौज, नाराज हो जाए तो मौज। हमें किसी का दुख नहीं देते, किसी के विरुद्ध हम कुछ करते नहीं, स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं चाहिए हमें। फिर भी कोई राजी रहे या नाराज रहे यह उसकी मर्जी, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। और भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात नहीं होगी, ना हो सकती है। इस बात का हमें पता लग गया तो अब मौज हो गई। इतने दिन दूसरों की गुलामी करके मुफ्त में दुख पाया, अब हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सभी श्रेष्ठ हैं पर हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें केवल भगवान से ही मतलब है। परंतु भगवान से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है, कोई गरज नहीं करनी है। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता लगा तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। वास्तव में है ही नहीं, केवल तू ही तू है, छोटा बड़ा अच्छा मंदा सब तू ही तू है। अब हमें असली चीज मिल गई, आज पता लग गया कि तू है, तू है। मैं हूँ ही नहीं, न मैं है न मेरा है, केवल तू ही तू है और तेरा है। सब आनंद ही आनंद है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, बाहर आनंद, भीतर आनंद, केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही कहते रहो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों का कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो तो किसी। हरे कृष्ण। तो आपके ये राम सुखदास जी महाराज के रचनाओं से लिया गया, कैसा लगा आपको ये बताइएगा, जो बहुत ही सुंदर है। यदि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो पूरे हर एक लात, हर एक शब्द पूर्ण रहस्य है, और समझेंगे तो अपने जीवन में उतार पाएंगे।
क्योंकि संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान अपने और कोई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।